हमारे आने से हमारे चारको विधानसभा पे और चारको विधानसभा पे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अगर जनता मुझे मौका दी है तो मैं वो सारे मुद्दों पे काम करूंगा और इंशाल्लाह इनके उम्मीद पे मैं खरा उतरूंगा। इनको कभी मायूस नहीं करूंगा, ये हमेशा इसी तरह मुझे प्यार करेंगे। और मैं ये पार्टी में आने के बाद इनसे बहुत प्यार भी पाया हूँ। और बस इसी देखिए, मैं अगर विधायक बन जीत के आता हूँ तो मैं बहुत अच्छा ही काम करूँगा। बाकी अभी तक हम जीते नहीं, हमारे दोष एक है सोतक करके एक संगठन चलाते हैं जो महिला बचत, वो हमें पहले से ही वो काम कर रहे हैं, काफ़ी महिलाओं को हम रोज़गार दिए। तो इंशाल्लाह अगर इन्हों में जिता के अगर एमएलए बनाते हैं तो मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोज़गार का बंदोबस्त। पहले तो मैं बता दूं, मैं सत्यशोधक कामगार संगठना का मुंबई अध्यक्ष हूँ, खालिद सिद्दीकी। आपने अभी महिलाओं के रोज़गार के लिए अभी आपने बात किया तो मैं बता दूं कि ये मुझसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। हमने महिला बचत गट हमारे अंडर में चल रहा है। और बता दूं, महिलाओं को आज के डेट में मालोनी और चारको विभाग में 150 महिलाओं को हमने रोज़गार दिया है। और आने वाले समय में हमारा प्रयत्न है कि हर जगह महिलाओं के लिए एक एक स्टॉल हमने गवर्नमेंट से मांग की है। अगर हमारे फारूक आते हैं चुन के तो हम ये ज़रूर प्रयत्न करेंगे कि जो घरगुती काम घर में होता है उसके लिए एक स्टॉल मांगा जाए जो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचे। जो घर में बनाते हैं वो आइटम अगर डायरेक्ट पहुंचेगा तो लोगों के घर का रोज़गार बढ़ेगा। इससे ये फारूक भाई ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है और आने वाले समय में आपको दिखेगा महिला बचत गट किस तरह हम लोग आगे आपके साथ जुड़ करके। और इन्होंने जो आज हमारे चारको विधानसभा के जो कर्मठ उम्मीदवार ऐसा हमें मिला है और बहुत उम्मीदवार ऐसे आए, बहुत पार्टी के लोग आए, सब ने यहाँ से जीत हासिल की, लेकिन जो यहाँ की मूल सुविधाएं हैं उस पर ध्यान नहीं गया। इन्होंने समाज का काम करते हुए और तमाम ऐसे लोगों के साथ में जुड़े रहना इनका सबसे पहला सिद्धांत रहा। दूसरा कि एक जात पात से ऊपर उठ करके बात करते हैं और सबको साथ लेकर के चलने वाला ऐसा उम्मीदवार हमारे बीच में है। तो हमारी यही एक सोच है कि हम इनका भरपूर साथ दें। और इन्होंने न कुछ रहते हुए भी बहुत कुछ काम किया है, इनका काम बोलता है, इनका नाम भी बोलता है। तो ऐसे जब लोग चलते हैं तो साथ में जुड़ना वाजिब होता है।